दोस्तों ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक 2.0, यानी कि ये सबसे डिफरेंस और सबसे नई वाली गाड़ी है भाई, सबसे नई मॉडल। ये समझ लो कि अभी तक ये ऐसी गाड़ी कोई आई नहीं है कि जिसमें इतना सारा फीचर आ चुका हो, और इससे पहले जो भी वेरिएंट आए हैं उसमें ये फीचर अभी तक नहीं आया। सबसे तगड़ा और सबसे ज़बरदस्त फीचर आपके सामने है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर, देखो ये एच शेप जो दिख रहा है भाई, ये DRL है, ये वाला DRL मिलेगा यहाँ पे DRL। ये आपको LED हेडलाइट मिलेगी, वो भी स्प्लिट में अलग अलग हाई लो बीम पे वर्क करेगा। ये देखो यानी कि पूरी इसकी हेडलाइट ही एकदम चेंज कर दिया है कंपनी ने, और इंडिकेटर ये देखो आप, पूरा इंडिकेटर ही इसका बदल दिया है, एकदम नया वाला यहाँ पर इंडिकेटर आ चुका है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगी आपको, ये पूरा ग्राफिक्स भी एकदम नया और सबसे चेंज मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये भी ब्लिंकर पूरा चेंज हो चुका है, इंडिकेटर और हेडलाइट, और ये आपका पूरा स्टिकर सामने का। तो ये रहा इसका पूरा ऊपर का चेंजेस, और आप देखिए इसका मडगार्ड कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टर के साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 130 mm का ड्रम ब्रेक, 80/18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से इसका लेग गार्ड मिलेगा, हॉर्न यहाँ पर दिया गया है, और साइड के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ग्राफिक्स मिलेगा, ये देखिए नया ग्राफिक, और ये जो ग्राफिक्स है ये दोनों साइड पे स्टिकर दिया गया है। ये देखिए अब सबसे तगड़ा चेंजेस, ये जो है ना ये मुट्ठा, ये पूरा चेंज हो चुका है नया, ये देखिए। अब इस पर i3 स्विच दी है कुछ इस तरह से, एकदम डिफरेंस भाई। और यहाँ पर पासिंग आज तक नहीं आई थी इस गाड़ी में, लेकिन अब आपको पासिंग मिलेगा स्प्लेंडर प्लस में, यार ताज्जुब की बात है। और सेल्फ की जो स्विच आप देख रहे हैं, ये देखिए आप स्विच इसकी, ये सेल्फ की स्विच पूरी एकदम चेंज हो चुकी है, एकदम नई वाली यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ये इस तरह से गाड़ी दिखने वाली है। इसकी जो स्विच है ये पूरा चेंज हुआ है, i3 आप देखते हैं, ये पूरा आप सेटअप देख सकते हो, पूरा बदल दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हजार स्विच आ गई, इसको ऑन कर देंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ चलेगा, ये हाई लो बीम पे वर्क करेगा, ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है, यहाँ पर पासिंग, यानी कि ये भी पूरा चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना अच्छा दिख रहा है इसके मॉडल और डिज़ाइन, आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का चेंजेस हुआ है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग मिलेगी, उसके ऊपर यहाँ पर देखिए सिंबल भी दिया है, और यहाँ पर इग्निशन है, मोड का बटन है, और पूरा फुली डिजिटल कॉल मिस कॉल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी साइड स्टैंड लो फील्ड वार्निंग न्यूट्रल, और यहाँ पर आपको ये i3 मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर भाई दिया गया है। और ये पूरा इस तरह से इसकी हेडलाइट का कुछ ऑप्शंस इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर हीरो का ब्रांडिंग है, A20 फील पड़ेगा। और आप देखिए इसका टैंक दो कलर में, ब्लैक ग्रे, ये देखिए डबल कलर का यहाँ पर लुक दिया गया है। हीरो का यहाँ पर आपको 3D वाला क्रोम फिनिशिंग के साथ ब्रांडिंग मिल जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ग्राफिक और स्टिकर मिलेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिकर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नोटिस कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंस लेवल का स्टिकर मिलेगा। और 10 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी में, और E20 फ्यूल पड़ेगा कुछ इस तरह से इसका, आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक का कैप, तो फ्यूल टैंक भी पूरी एकदम चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर यह रहा इसका लेग गार्ड। अब इंजन अगर आप देखेंगे भाई तो इंजन भी एकदम तगड़ा अपडेट हो चुका है हीरो का ब्रांडिंग के साथ, 4 गियर लीवर इस तरह से फ्लेक्सिबल फुटेस इंजन, 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OSC इंजन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम एडिफाई, ये आप देख रहे हैं पूरा ये सेटअप चेंज हो चुका है, ये देखिए ये पूरा पैनल चेंजेस हुआ है, ये बिल्कुल नया आया है इसके अंदर। और इस साइड से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम हैवी दिख रही है गाड़ी भाई, प्रोग्राम एडिफाई की ब्रांडिंग, क्रोम यहाँ पर इस तरह से टूल बॉक्स इसके अंदर है, और किक सेल्फ दोनों स्टार्टर इंजन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये रहा इसका ब्रेक लीवर फुटरेस्ट, और ये रहा पूरा लुक इस तरह से। अब साइड पे सबसे तगड़ा चेंजेस यहाँ पर आप देखो, ये जो आप स्प्लेंडर प्लस देख रहे हैं ये स्टिकर, ये बिल्कुल नया है, एक्सट्रैक 2.0 का भी यहाँ पर आपको ग्राफिक मिलेगा। और ये देखिए आप यहाँ पर ग्रे और यहाँ पर ब्लैक, और बीच में भाई वाइन रेड का स्टिकर इस तरह से इसको अलग करता हुआ, एकदम डिफरेंस सबसे ज़बरदस्त। और ये रहा इसका जो पीछे आपको ब्रेक पहले वाला 130 mm 5 बार एडजस्ट करने वाला सस्पेंशन, आगे पीछे 80/18 का दोनों टायर सेम रहेगा। सीट कुछ इस तरह से स्प्लिट में अलग अलग, एक नंबर की सीट मिलेगी। i3 की ब्रांडिंग पूरा ब्लैक कलर का, यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग, ये आपका रहेगा कैरियर। अब पीछे का जो इंडिकेटर है वो भी आगे और पीछे बराबर रहेगा। सबसे तगड़ा चेंजेस अभी आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इसका चैन कवर, जो कि फाइबर का है, चैन कवर पहले लोहे का था अभी ये फाइबर में हो चुका है। सस्पेंशन सारी गार्ड, ये पूरा इस साइड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 इस तरह से पूरा लुक मिलने वाला है इस गाड़ी का। अब सबसे तगड़ा चेंजेस यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ये देखिए ये जो है टेल लाइट इसकी कुछ इस तरह से मिल जाती है, हीरो की ब्रांडिंग है, और ये पूरी टेल लाइट भाई चेंज हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे का फेंडर है ये भी पूरा बदल दिया है कंपनी ने, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगा, मतलब इसको और थोड़ा मजबूत बना दिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स को, ये देखिए। और पहले वाले में इस तरह से है,
ये देखिए पतला सा लंबा सा कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन अभी वाले में एकदम ये स्पोर्ट वाली स्प्लेंडर दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी डिफरेंस लुक के साथ आ चुकी है। ऑन रोड कीमत 1 लाख और माइलेज 70 का 100 सीसी की गाड़ी। वीडियो अगर आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।